उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर जल शक्ति विभाग के अंतर्गत सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की नहरों पर निर्मित 25,050 पुलियों के जीर्णोद्धार एवं पुनर्निर्माण महाअभियान का शुभारंभ किया, जिसमें झांसी जनपद के 496 पुलियों का जीर्णोद्धार, 119 का पुनर्निर्माण नवनिर्माण सहित कुल 615 सम्मिलित हैं का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नहरों पर लगभग 70,000 पुलियां निर्मित हैं। इनमें से 21,542 पुलियों की जीर्णोद्धार तथा 3,508 पुलियों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश का कृषि योग्य क्षेत्रफल 188 लाख हेक्टेयर है। 120 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है। राज्य में नहरों की लंबाई 74,659, नलकूपों की संख्या 34,401 तथा पंप नहरों की संख्या 278 है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुख्य नहर प्रणालियां 100 वर्षों से भी अधिक पुरानी हैं। पूर्वी यमुना नहर प्रणाली लगभग 190 वर्ष, ऊपरी गंगा नहर प्रणाली 166 वर्ष, निचली गंगा नहर प्रणाली 142 वर्ष, बेतवा व किन नहर प्रणाली 135 वर्ष, धसान नहर प्रणाली 113 वर्ष एवं शारदा नहर प्रणाली 92 वर्ष पुरानी है। इन निर्माण कार्यों से कृषकों सहित सभी प्रदेशवासियों को लाभ होगा।